नमस्ते सभी को। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से चॉकलेट गार्निश आप ये सब बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से, और कौन सा कलर यूज़ करना है कौन सा नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं ये बता रहा हूँ कि मैं हर संडे को लाइव आता हूँ, तो जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और चलिए फिर फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं यहाँ पे डार्क कंपाउंड और एक वाइट कंपाउंड। ये है हमारा कलर मिस्ट कंपनी का चॉकलेट कलर, और ये है ऑयल कैंडी कलर बेक हेवन का। ये है वाटर कलर, और मेरे हाथ में जो दिखाया था ये था जेल कलर। ये दोनों हमें यूज़ नहीं करने हैं। नहीं करने मतलब नहीं करने, लोकल गार्निश लोकल बेकरी वाले यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तभी आपने देखा होगा उनकी गार्निश होती तो है लेकिन गार्निश जैसी दिखती नहीं है, वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब आप वाटर कलर डाल देते हैं तो उसमें शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और एक तरीके से वो पेस्ट जैसा बन जाता है। वो हार्ड नहीं रहती चॉकलेट, वो चिपक तो जाती है क्योंकि कंपाउंड है। अगर कोवेचर में डाल दोगे तो वो भी नहीं बचेगा। तो इसलिए आप ऑयल कैंडी कलर या ये ड्राई कलर जो आता है चॉकलेट वाला, तो ये यूज़ करना। देखो मैं आपको चॉकलेट में डाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। ये OHP शीट है, कुछ जो फोटो प्रिंट वाली शीट जो बच जाती है हमारे पास वो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो पूरी चॉकलेट में कलर मिला सकते हैं, नहीं तो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं। हल्की सी ड्राई होने के बाद हम कॉम मारेंगे, गीली चॉकलेट में नहीं मारेंगे, नहीं तो क्या होता है चॉकलेट फिर से बह के अपनी जगह पे वापस आ जाती है और आपका पैटर्न दिखता नहीं है। देखिए मैंने कितने सारे कलर यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। हल्की हल्की पतली पतली चॉकलेट मैंने लगाई थी, अब एक कोट और करेंगे, इससे आपकी जो गार्निश है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मोटी गार्निश ना बनाएं, बहुत अच्छी नहीं लगती हैं वो। आपने देखा हो लोकल बेकरीज में कई बार बहुत मोटी मोटी गार्निश बना देते हैं, इतनी मोटी भी हमें नहीं बनानी, मीडियम बनानी है। बहुत पतली बनाएंगे तो टूट जाएगी जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता ही कितनी गर्मी रहती है, तो इसलिए हमें मीडियम गार्निश बनानी। जब आप बनाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं स्क्वायर, आप चाहे बड़े स्क्वायर बनाएं छोटे स्क्वायर बनाएं, लेकिन अब आपको तरीका पता चल गया, कलर आपको पता चल गया है, नोजल की हेल्प से इसमें होल कर देंगे और अब अपने गार्निशों को एक एक करते हुए हम फ्रिज में रखते जाएंगे। अभी तक आपने देखा होगा टेबल पर रखी है मेरी सारी शीटें और ये एक दूसरे पे चिपकी नहीं है, ये सूखी हुई भी है, क्योंकि मैं AC में काम कर रहा हूँ। ये आपको बातें कोई नहीं बताता, अभी मेरे AC का टेम्परेचर है 23, 23, 24, 22, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं, और इजी काम होता है। अगर आप फ्रिज के चक्कर में रहेंगे, बार बार फ्रिज में रखेंगे हार्ड हो जाएगी, बाहर रखेंगे तो सूखेगी नहीं, तो इसलिए AC यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप गार्निश बनाते हैं। ये देखिए मैंने ट्राइंगल बना लिए हैं और अब यहाँ पे हम राउंडल काट रहे हैं। आप चाहे डार्क चॉकलेट लगाएं या वाइट लगाएं, दोनों ही अच्छी लगती हैं। वाइट थोड़ी महंगी पड़ती है और डार्क थोड़ी सस्ती पड़ती है, तो आपका जैसा बजट है आप वैसे गार्निश बना सकते हैं। और चॉकलेट केक में डार्क वालों में डार्क वाली यूज़ कर देना, और कोई फ्रूट फ्लेवर आता है या पाइनएप्पल बटरस्कॉच ऐसे होते हैं तो आप उसमें वाइट यूज़ कर सकते हो गार्निशिंग में। तो इस पे भी हम लगा देते हैं डार्क चॉकलेट। कंपाउंड चॉकलेट से गार्निश बनाना बहुत इजी रहता है, और ऊपर से मैं जैसे बता रहा था आपको AC वगैरह में काम कर रहा हूँ तो भी बहुत इजी रहता है। अगर मान लीजिए आपके पास AC नहीं है तो फिर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाना और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना, जब हल्की सी हार्ड हो जाए तभी इसको कट करना शुरू कर देना। AC में ये अपने आप हार्ड होती रहती हैं, पर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, तो कभी भी निकालो कभी भी काम कर सकते हो इजीली। देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी हमारी चॉकलेट, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आप दूसरी शीट देख रहे हो, अभी भी हल्की जाएगी तो फिर रोल नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी आपको अपना हाथ चलाना है, बस फटाफट से। स्पीड तो मैंने XX कर रखी है, लेकिन आप जितनी जल्दी हार्ड चलाएंगे उतना अच्छा रहेगा। और कई लोग तो वैसे ही काट लेते हैं बिना स्केल की वजह से, मतलब बिना स्केल की हेल्प से, पर उसमें अच्छा नहीं लगता है, अनइवन शेप आता है, तो वो मज़ेदार गार्निश नहीं रहती। आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, दिखने में अच्छी लगनी चाहिए। देखिए फिर से इसको रोल किया और हमने इसको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखता जा रहा हूँ मैं, बनाता जा रहा हूँ मैं, सारी चॉकलेट तो आपको दिखा नहीं रहा, लास्ट में मैं दिखा दूंगा सारा एंड प्रोडक्ट कैसा आया है। और ये चॉकलेट भी फटाफट से हम इसे रोल करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं कवर चॉकलेट से, और इससे मैं राउंड बनाऊंगा, और इससे जो जो टर्न वाली गार्निश होती है, मैं नाम भूल गया इसको क्या बोलते हैं, कर्ल भी बोल देते हैं कई लोग, ठीक है। तो फटाफट से हाथ चलाना है आपको, फास्ट फास्ट फास्ट, जितना तेज़ वीडियो में चल रहा है इतना नहीं, बट हाँ बहुत जल्दी करिएगा, ये तो अगर चॉकलेट सेट हो जाने लग जाती है फिर मुश्किल हो जाता है काम करना। बीच में मेरे को ये चॉकलेट जो थी ना, एक बीच में से कट भी करनी थी, बट मैं भूल गया वीडियो बनाने के चक्कर में, जहाँ से मैं फोल्ड कर रहा हूँ ना यहाँ बीचों बीच, ताकि जब इस शीट को हम खोलें
तो अपने आप ये कट के निकल जाए। हालांकि जब इसको मैंने खोला था कुछ टूट गई थी लेकिन निकल गई थी। तो अब देखिए, जब रोल बनाएंगे तो याद रखना कि आपकी जो गार्निश की दोनों सिरे हैं वो एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, दूर दूर ना हो। मेरे थोड़ा बिल्कुल ऑलमोस्ट एजिस पे था, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर होती तो काफ़ी अच्छा रहता, फिर ये जो सर्कल बनता ना ये खुलता नहीं, जो आपकी गार्निश के सर्कल बनते वो खुलते नहीं। तो आप चेक कर लेते हैं, सारी गार्निश मैंने फ्रिज में रख दी थी, 1 घंटे तक ये आप रहा सूखती रही हैं, मतलब ड्राई होती रही हैं फ्रिज में, ठंडी हो गई एकदम। और देख लीजिए जो हमने कॉम यूज़ किया था उसका कितना असर हुआ है, देखो अंदर से, मतलब इस पर पैटर्न कितना अच्छा है। और ये बड़ी वाली जो हमने कर्ल बनाई थी पर्पल कलर की, ये देखिए वो निकल के आ गई है। ठीक है, इसमें कुछ गार्निश टूट भी जाती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता रहता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये रहे हमारे सर्कल, शाइनिंग भी देख लो आप चॉकलेट पे कितनी शाइनिंग, अगर आप वाटर कलर वगैरह डाल देते तो ये इतनी शाइनिंग वगैरह भी नहीं आती ना इतनी फिनिश आती। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ऐसे यूज़ कर लेंगे किसी भी केक पे, कोई ऑर्डर आएगा जब, बची हुई चॉकलेट को दोबारा से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो गनाश में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे देखिए ट्राइंगल हमने बनाए थे, तो ये देखिए कितना अच्छा कॉम की हेल्प से कितना अच्छा पैटर्न आया। ये बड़े वाले कर्ल जो हमने बनाए थे पर्पल कलर के, ये वो आ गए हैं। और ये छोटे वाले बनाए थे पर्पल कलर के ही, देखिए शाइनिंग आप देखते रहिए कितना अच्छा शाइन आया है। क्वालिटी से काम करोगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही निकलेगा। रिंग देखिए आप डबल शेड में है, आप चाहते तो पूरी चॉकलेट में कलर भी मिला सकते हैं लेकिन वो वेस्टेज हो जाती है आपके कलर की ज़्यादा, कितना एक्सपेंसिव कलर भी आते हैं। ये स्क्वायर है, ये राउंड है, ये देखिए सर्कल आया कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो कर्ल बनाए थे हमने कुछ इसमें टूट गए थे थोड़े से, बट ज़्यादा नहीं, वो भी बन गए, लेकिन देखिए कितना अच्छा ब्लू कलर आया है, बहुत ही बढ़िया गार्निश बनी। तो आज की वीडियो में बस।